ये मेरे पीछे जो परछाई है, ठीक है ना, इसको नहीं बनाया गया है। और जो अरे गोलाई मतलब चेहरा जो है ना, ऐसे गोलाई युक्त नहीं है, कहने का मतलब जैसे ये जब पीछे छाया प्रकाश बनाएंगे ना, तो वो गोला टाइप का बनेगा ना, उसका अभाव है। ठीक है, छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं है यार, और आकृतियां गोलाई युक्त नहीं है। ठीक है, गोलाई युक्त कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हमने बताया। ये देखिए, मानो आकृतियां कहाँ गई, लंबा चोंगा, जब चोंगा पहना देंगे तो चेहरे में गोलाई कहाँ आएगी, नहीं आएगी, आया ना समझ में। चलिए ध्यान से सुनिए, देखिए ईरानी शैली, क्योंकि ईरानी शैली जब मुगल शैली पढ़ना होगा तो उसके पहले ईरानी शैली की विशेषता और उसके पहले राजस्थानी शैली की विशेषता, क्योंकि राजस्थानी शैली और ईरानी शैली जब मिक्स होती है तो आपको मुगल शैली का जन्म, मुगल चित्रकला का जन्म होता है। ठीक है, इसकी विशेषता पढ़ना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता तो यही है, कई बार प्रश्न है, ईरानी शैली में सपाट रंग भरे गए हैं, यानी कि मिश्रण नहीं किया गया, एक कलर को दूसरे कलर से मिक्स करके जो नया कलर बनेगा उसका प्रयोग नहीं है। ठीक है ना, तो सपाट रंग भरे गए हैं, यानी कि रंगों का प्रयोग, यानी कि मिश्रित रंगों का प्रयोग नहीं हुआ है। फिर छाया प्रकाश का प्रयोग नहीं हुआ है, यानी कि गोलाई युक्त नहीं बनाया गया है, क्योंकि तो ईरानी शैली में मानव आकृतियों को ये सर पर चोंगा या पगड़ी पहने हुए चित्रित किया गया है, इसलिए गोलाई युक्त नहीं है। ठीक है ना, चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, याद रखिएगा, चटक रंगों का प्रयोग इसमें हुआ है, चटक रंग बोले या जो है अग्रगामी रंग बोले या गर्भ रंग बोले तो बात एक ही है। ठीक है, और पृष्ठभूमि, जो पृष्ठभूमि पे बनाया गया उसमें मंद रंगों का प्रयोग, हल्के रंगों का प्रयोग हुआ है ईरानी शैली में। ठीक है, चटक रंगों का प्रयोग ईरानी में भी है, चटक रंगों का प्रयोग राजस्थानी में भी है। ठीक है, और उद्यान, जो ईरानी शैली में उद्यान बाग बगीचे बनाए गए हैं ना, वो काल्पनिक हैं, रियलिस्टिक नहीं है, काल्पनिक उद्यानों को चित्रित किया गया है। और जो चित्र बनाया जाता था ईरानी शैली में, उसमें कलाकार अपना नाम और वह चित्र का विषय और विषय लिखा जाता था, और कभी-कभी कविता लिखी जाती थी, और ये तीनों कलाकार का नाम, विषय और कविता कहाँ लिखा जाता था, आकाश वाले भाग में। ठीक है ना, आयताकार पट्टी बना के वहीं पे लिखा जाता था फारसी भाषा में। इसको ऐसे समझिए, अगर मान लीजिए ये ईरानी शैली का चित्र है, तो यहाँ पे अगर आप चित्र बनाएंगे ना, तो ये आकाश वाला भाग होगा। ठीक है ना, तो यही आयताकार होता था, आयताकार बना के कलाकार यही नाम और चित्र का शीर्षक और कविता यही लिखते थे। ठीक है ना, ये समझिए। हाशिया, हाशिया आपको पता होगा, हाशिए बनाने का प्रचलन था ईरानी शैली में। ठीक है ना, और हाशिए में आखेट दृश्य, फूल पत्ती और पशु पक्षियों का चित्रण किया जाता था, मानव आकृतियों का नहीं किया जाता था। वो इसलिए कि ईरानी शैली कौन सी है, मुस्लिम कला प्रधान शैली है, और मुस्लिम कला में मानव जीवित व्यक्तियों का चित्रण नहीं किया जाता है। ठीक है, अब आइए, ईरानी शैली रेखा प्रधान शैली है, ठीक है ना, अजंता भी रेखा प्रधान शैली है, और प्रागैतिहासिक भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला भी रेखा प्रधान है। तो याद रखिएगा, ईरानी शैली रेखा प्रधान शैली है। व्यक्ति चित्रण निषेध था, हमने बताया ना, जीवधारियों का चित्रण इस्लाम में
निषिद्ध है। इसलिए व्यक्ति का चित्रण नहीं हुआ है, पशु पक्षी फूल पत्तियों का चित्रण हुआ है, ठीक है ना। और वो भी कह सकते हैं ज्यामिति आकार में हुआ हो, ठीक है। और ईरानी शैली पे अजंता कला और चीनी कला का प्रभाव दिखाई देता है, और ईरानी शैली में पौने दो चश्म चेहरे का चित्रण हुआ है, ठीक है। और ईरानी शैली में जो कभी कभी मान लीजिए बदलाव आया है समय के हिसाब से, जो आकृतियां बनाई गई है ना, उसमें उसके सर पे लंबा चोंगा या पगड़ी लंबादा पहने हुए चित्रित किया गया है। और ईरानी शैली में शीतल रंगों का प्रयोग हुआ है, यहाँ चटक भी है और शीतल भी है, ठीक है। तो मुझे लगता है चटक रंग इस्लाम में चटक रंगों का प्रयोग हुआ है, तो शीतल रंगों का प्रयोग कम हुआ होगा। शीतल रंगों का प्रयोग भी हुआ होगा, वो भी इसलिए क्योंकि जब पेड़ पौधे बनाए जाएंगे तो उसमें शीतल रंगों का प्रयोग होगा। जब बदलाव हुआ होगा, मानव आकृति जब बनाई गई हो तो उसमें चटक रंगों का प्रयोग हुआ होगा, ठीक है। अगला, मानव आकृतियां जो बनाई गई ना, वो कोमल एकदम नाजुक बनाई गई है। और एक विशेष विशेषता ये है कि जो ईरानी शैली में स्त्री और पुरुष का चित्रण किया गया है ना, उसमें विभिन्नता नहीं दिखाई देती है कि ये स्त्री का चित्र है, ये पुरुष का चित्र है, ठीक है ना। और उसमें शारीरिक गठनशीलता मसलता नहीं दिखाई गई है ईरानी शैली में, ठीक है।